हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ पुदीना पत्ता। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने यहाँ पर मेरे गार्डन में पुदीना पत्ता लगाया है। और मुझे ना यहाँ पर मतलब है इतना सारा फैल गया है वो, क्योंकि ना मैंने पिछले साल, एक्चुअली हाँ पिछले साल ही, मम्मी के यहाँ से थोड़ी सी एक मतलब डंडी लाई थी वो उसकी, और उसका जो है ना इतना ज़्यादा फैल गया है वो कि हम लोग डेली तोड़ते हैं। डेली भी हाँ डेली समझ लो, डेली भी तोड़ते हैं ना, तो इतना ज़्यादा फैल गया है कि वो हमें चल जाता है। और पानी पूरी बनानी हो, मतलब पानी पूरी का पानी बनाना हो, या चटनी बनानी हो, या ग्रीन चटनी बनानी हो, तो उसी के लिए तोड़ लेते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और धनिया पत्ता भी इन्होंने साइड में लगाया हुआ है, उसके साइड में धनिया पत्ता लगाया हुआ है एक्चुअली घर पे ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये धनिया पत्ता तोड़ के लाते हैं और मैं ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता जो है वो सब्जी में डालती हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी लगती है घर की। मतलब कितना भी हम लोग खरीद के लाते हैं, बट घर का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। एक्चुअली ना मेरे घर पर जगह बहुत है, मतलब कंपाउंड में ना बहुत जगह है, बट हम लोगों ने सारी जगह टाइल्स लगा दी है, बट सिर्फ क्यारी क्यारी थी, तो इसी वजह से क्यारी में ही हम लोग लगा सकते हैं। और बट क्यारी में ना वो भी लगाया है, पौधे भी लगाए हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ा थोड़ा हम लगाते हैं ऐसे कुछ, तो ऐसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं पुदीने की चटनी बनाने वाली हूँ और वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुदीना तोड़ के लाया था, वो धो के रखा था, और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी यहाँ पे, ये चने की दाल, उसमें 2 हरी मिर्च डाली थी, और यहाँ पर पुदीना पत्ता जो है वो धो के रख दिया था, और उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला था, और उसमें पुदीना पत्ता, और थोड़ा सा आपको ना दही ऐड करना है उसमें। सॉरी, अद्विक खास रहा है, तो अद्विक की तबीयत बराबर नहीं है इसी वजह से, तो थोड़ा सा दही ऐड करना है उसमें, और उसमें दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको ऐड करना है, और उसे अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद उसमें नमक ऐड करके आपकी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी चटनी रेडी हो जाएगी, और ग्रीन ग्रीन दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी सी आती है इसकी, मतलब खाने के साथ बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो मुझे तो हम लोगों तो काफ़ी पसंद आ रही है आजकल ये चटनी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं डेली, मतलब डेली ही हम लोग बना रहे हैं। और उसके साथ ना तो बारीक बारीक चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड कर देना है, तो इससे और भी टेस्ट इसकी बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। और थोड़े से पत्ते पत्ते रह गए थे कुछ पुदीने के, तो वो थे और उसमें। और यहाँ पर मैंने मिक्स वेज बनाई थी, बट मिक्स वेज ना आपके साथ शेयर की है मिक्स वेज की रेसिपी मैंने, तो इसी वजह से मैंने सोचा आज मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। मिक्स वेज की रेसिपी तो ऑलरेडी शेयर कर रखी है मैंने, तो इससे मैंने गोभी वगैरह को फ्राई कर लिया था सिर्फ, और बीन्स वगैरह को, और बाकी चीज़ें ऐसे ही वो कर ली थी, मतलब प्याज में तड़का दे दिया था उसको। और यहाँ पर मैं इनके लिए थाली परोस रही हूँ, तो ये भी थे, तो इनको ड्यूटी जाना था, तो इसी वजह से इनके लिए थाली परोस रही हूँ। इतना थोड़ा सा हाँ ये भी हेल्प कर रहे हैं, आपको दिख रहा है इनका हाथ। और यहाँ पर मैं उनके लिए वो सब्जी दे दे रही थी, और उसके बाद ना मैं अकेली खाना खाऊंगी, क्योंकि ना मुझे जल्दी जल्दी खाना नहीं आता, क्योंकि मुझे आराम से खाना पसंद है। मतलब दाल लगा दी थी मैंने, और यहाँ पर उनके लिए पापड़ भून रही हूँ, क्योंकि उनको ना क्या बोलते हैं फ्राइड पापड़ बहुत, मतलब बहुत बोल रही हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है फ्राइड पापड़, अच्छा नहीं लगता है, तो वो इसी वजह से भून के मांगते हैं मुझे, तो इसी वजह से ऐसे गैस पे भून के मैं उनको पापड़ दे देती हूँ। और ये ना डीमार्ट का बड़ा बड़ा सा जो पापड़ है, मतलब जितनी पता नहीं कौन सी कंपनी का है, तो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, मैंने डीमार्ट के व्लॉग में वगैरह आपको दिखाया होगा, तो वो वाला पापड़ है ये। और एक और वो भी लाती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम है उसका, लिज्जत का भी बड़ा पैक लाती हूँ 1 केजी का, और ये वाला 1 पैक लाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे होता ही होता है, मतलब पापड़ चाहिए होता है हमें। और यहाँ पर मैं अभी अकेले खाना खा रही हूँ अब, क्योंकि ये ड्यूटी चले गए थे, तो इसी वजह से, और मुझे आराम से खाना पसंद है, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में खाना मतलब मेरे गले में ही फंसता है, और ये जल्दी जल्दी इनको आदत हो गई है ड्यूटी के जाने का, हम जल्दी जल्दी खाना खाने की, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। डीमार्ट का सामान दिखाना भूल गई थी, तो डीमार्ट से जो कल सामान लाया था, मतलब जो ग्रोसरी लाई थी, थोड़ा सा ही है, फिर ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो हमेशा के ही है मारीगोल्ड, क्योंकि मैं भी मारीगोल्ड खाती हूँ, बच्चों को भी मारीगोल्ड पसंद है इसी वजह से। फिर मारीगोल्ड के 2 पैकेट, फिर काजू का ये 1 पैकेट है, एक्चुअली दो ले नहीं एक ही लिया है काजू का, ये हाँ क्या है 500 ग्राम का, और ये बादाम का 500 ग्राम का, तो ये आधा आधा के जी बादाम और काजू। उसके बाद ये सौंफ ली है आधा के जी, सौंफ खत्म हो गई थी, कुछ जो चीजें खत्म हो गई थी ना वो ली है, मतलब 1 मिनट। तो और
बाकी की चीजें जो है घर पे थी, तो इसी वजह से अभी ये छोला मसाला लिया है, क्योंकि मुझे ना एवरेस्ट के पता नहीं क्यों मसाले बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि एवरेस्ट के ही मसाले दूँ, तो ज्यादातर मैं एवरेस्ट के मसाले यूज करती हूँ, बट ये जब बाहर से लाते हैं, मैं डिमांड से लेती हूँ तो एवरेस्ट के लेती हूँ, बट ये बाहर से लाते हैं तो सुहाना के वगैरह जो भी हाथ में आए हैं उनके वो लेके आते हैं। तो ये एवरेस्ट का छोला मसाला और ये एवरेस्ट का चिकन मसाला, क्योंकि चिकन मसाला बहुत ज्यादा लगता है। और फिर ये लिया है एक गिफ्टी का पैकेट, ये एक्चुअली ना ये जो पैकेट मैं लेती हूँ ये बहुत सस्ता पड़ता है, तो इसी वजह से ये वाला लेती हूँ मैं, क्योंकि और बर्तन भी अच्छे निकलते हैं इससे, सस्ता मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता पड़ता है और अच्छा नहीं निकलता है, बर्तन वगैरह अच्छे नहीं निकलते हैं, तो इसी वजह से मैं यही लेती हूँ, तो और बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज, बट ये 170 तक पड़ जाता है वहां पे। और फिर लिया है मैंने ये सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, तो ये सर्फ एक्सेल का एक मैटिक लिक्विड का कितने का है ये, 1 लीटर का पैक है, 1.20 लीटर ऐसे करके ये पैक है, तो ये टॉप लोड के लिए है, ये लिक्विड है और बहुत कम लगता है, तो इसी वजह से ये लिया है। और फिर लिया है ये वैनिश, तो वैनिश की छोटी बॉटल ही ली है, मतलब क्योंकि मेरे पास पाउडर ऑलरेडी थी थोड़ी सी, तो इसी वजह से इसकी छोटी बॉटल ली है वैनिश की, क्योंकि बच्चों के कपड़े के लिए चाहिए होती है वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, तो इसीलिए ये मैं ज्यादा वैनिश यूज करती हूँ। फिर इस तरह से पीनट बटर के 2 लिए हैं, क्योंकि एक बार पीनट बटर खत्म हो गया ना मेरे यहाँ पे, पीनट बटर जल्दी नहीं आता है, मतलब जल्दी मीन्स जब वहां पर जाती हूँ ना, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो सेक्शन में मैं जाती नहीं हूँ और भूल जाती हूँ पीनट बटर लाना, तो ऐसे करके 2 लेके आती हूँ मैं हमेशा, तो एक ये वाला लाया और एक ब्लू वाला लाया है, तो वो मैंने रख दिया, अभी निकाल लिया है एक्चुअली खाने के लिए। और ना इस बार ये वाले लाया है, तो ये वाले नए आए थे अभी, फ्रूट जाम, मिक्स फ्रूट जाम, तो ये एक पर एक फ्री था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, मतलब टेस्ट करके कैसे कैसी टेस्ट है इसकी, तो एक बार टेस्ट करके देख ले तो पता चलेगा कि इसकी टेस्ट कैसी है, और मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर के बाद ही आपको बता दूंगी इसकी टेस्ट कैसी है। तो ये मैंने निकाला नहीं है एक्चुअली, ये निकालूंगी, और एक पर एक फ्री है, तो इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बताती हूँ, इसकी प्राइस 169 रुपीज है, और 169 रुपीज में ये 2 फ्रूट जाम मिले हैं, तो अभी पता नहीं अभी इतने ज्यादा क्वांटिटी में मिल गए हैं तो टेस्ट कैसी होगी ये नहीं पता, बट ये मिल टाइम इस ब्रांड के हैं, और देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है। फिर मैंने इस बार ना ये लिप्टन की ग्रीन टी लूज वाली ली है, मतलब ये खुली ग्रीन टी है, और वो जो सैशे आते हैं ना मेरे ये वाले दिखाती हूँ, इसमें ये वाले खत्म हो गए थे, ये वाले जो ग्रीन टी लाती थी मैं, इसमें सैशे आते हैं और ये ना लूज ग्रीन टी है, तो अभी इसको पता चलेगा इसकी मतलब क्वालिटी कैसी है और सेम इफेक्ट करती है या नहीं, तो ये मैं यूज करके दिखूंगी फिर आपको बताऊंगी कि कौन सा, और ये ना सस्ता पड़ता है इस सैशे से, तो इसी वजह से ये लेके आई हूँ इस बार, तो देखते हैं सस्ता और महंगा का कुछ नहीं है बट इफेक्ट करना चाहिए, तो ये कैसे इफेक्ट करता है ये मैं देखूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी। फिर ना ये माचिस के डिब्बे 2, और फिर लूज चीनी और लूज जो क्या बोलते हैं ये लूज चीनी और लूज चावल लाया है, ये बासमती चावल, लूज और चीनी, बस इतने ही आइटम इस बार लाया है, तो बस हो गया इतना ग्रोसरी इस बार की, शायद 3,500 की हुई है, तो इतनी ग्रोसरी हुई है, और कुछ बच्चों की चीज मतलब खाने की केक वगैरह ये वो लाए थे, तो वो बच्चों ने खा लिए कल, चॉकलेट्स वगैरह, तो मैं चलो आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लाया है वहां से, थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये जाम का ये बता दूंगी कि कैसा है टेस्ट। देखो यहाँ पर अद्विक ने
फोटोज करके रखे है, ज्यादा के काम कर रहा है ये। और एक मिनट, अब ना ये मुझे टेस्ट करके बताओ कैसा है ये। ब्रेड और जाम आज भी खाओगे आप? खाओ। इधर आओ, ऊपर आओ। खुद ज्यादा के काम करते हो, खुद रोते हो। देखो 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 देखो, इश्क ओले बाप ले। हाँ कितना प्यारा है दोनों पे। खाओ, कैसे टेस्ट है? एकदम टेस्टी। एकदम टेस्टी है तो किसी को भी एकदम टेस्टी हो। लो एकदम एकदम मंडे। इसकी टेस्ट बताना कैसी है, मतलब वो उसकी वजह जैसे एक किसान की जैसी टेस्टी है। किसके कैसी है? किसान की जैसे थोड़ी 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 थोड़ी। एक मिनट मम्मा। ये बड़ा मैं होता सेम किसान के जैसी है। कुछ भी फर्क नहीं है। कॉपी ऑफ द किसान जाम। सेम किसान जाम के जैसी है, कुछ भी फर्क नहीं है। और बट पता नहीं कितने इतना सस्ता कैसे दिया है उन्होंने, लेकिन वो भी दो बॉटल इतनी बड़ी बड़ी। बाय वन गेट वन फ्री। मैं आप खाओगे? इन्हें ना वो जाम बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ब्रेड जाम वगैरह। अद्विक खाएगा? अद्विक खाओ। अद्विक मेरा बच्चा अच्छा है। नहीं आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो, क्योंकि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हो। ये कुछ भी नहीं खाती है तो इसी वजह से ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। अद्विक अच्छा है, अद्विक बेचारा खा लेता है कुछ भी, मैं दूध तो खा लेता है। ये दिखा है, देखा है सबने। ये देखा है मैंने, उसमें सॉफ्ट कॉपी डाली थी ना। तो इस वजह से चलो फिर अभी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, शाम का टाइम था और यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और माई भी मेरी हेल्प कर रही थी। यहाँ पर ना बहुत सारे कपड़े, मतलब 2 दिन के कपड़े ऐसे ही मैंने डाल दिए थे, फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला था, इसी वजह से यहाँ पर ऐसे ही आयरन टेबल पे डाल दिए थे। और ये कपड़े एक साथ ही फोल्ड कर रही थी आज, तो मैंने सोचा चलो आयरन टेबल भी खाली खाली दिखेगा, अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा घर और सारे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। तो माही भी मेरी हेल्प कर रही थी फोल्ड करने में, और अद्विक तो हेल्प करता ही है हमेशा, आप लोगों को तो जैसे पता ही है। हाँ, बीच बीच में। और वहाँ पर अद्विक ज़्यादा के काम कर रहा है जैसे कि हमेशा करता है वो। क्या बोलते हैं उसे, उसका मॉइस्चराइजर लेके मॉइस्चराइजर लगा रहा है, एनी टाइम मॉइस्चराइजर लगाते रहे। जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है तब से, तो जैसे हम लोग लगा के देते हैं ना, तो जैसे ही मॉइस्चराइजर सामने दिख जाता है उसे, तो वो मॉइस्चराइजर लगा लेता है अपने और बोलता है कि मैंने मॉइस्चराइजर लगाया। ऐसे करके दिन भर मॉइस्चराइजर लगाता रहता है। पहले से सॉफ्ट स्किन है, उससे ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे करके सारे कपड़ों के हम लोग फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे और अद्विक बीच बीच में हमेशा की तरह कर ही रहा था। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे कपड़े मंस की जो फोल्ड किए हुए, मतलब फोल्ड किए हुए धोए हुए तो कपड़े थे ही, बट जब हम लोग बाहर से आते हैं और बाहर आने के टाइम पे, मतलब घर पे आने के टाइम पे जो कपड़े हम लोग निकालते हैं ना, तो वो भी कपड़े थे। और यहाँ पर एक साड़ी भी थी, मतलब किसी को दिखाने के लिए निकाली थी मैंने ये वाली साड़ी, किसी ने देखने के लिए बोला था तो वहाँ पर ही रख दी थी आगे ही, वो भी साड़ी थी। तो ऐसे करके मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और सारे कपड़े फोल्ड हो जाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, रोटियाँ बन चुकी है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल और सादी दाल, और यहाँ पे ना सुबह की ही सब्जी बची है इतनी, तो डिनर इतने में हो जाएगा। और अभी फ्री हुई हूँ तो इसी वजह से आपसे बात कर पा रही हूँ। ये क्या है? अच्छा ये ना इतनी सारी, बाप रे बाप, ये देखो इतनी सारी मैंने ये बना के रखी थी, क्या बोलते हैं, खोबरा वड़ी, और किसी ने खाई नहीं तो इस तरह से ये ब्लैक हो गई है पूरी, किसी ने खाई नहीं। माही आधा डब्बा थी, आधा डब्बा मतलब जो छोटा डब्बा होता है ना, हाँ इतना नहीं, हाँ इतना इतना जो छोटा डिब्बा होता है, हाँ उतना आधा डिब्बा था। बाबरे इतने सारे खोबरा बड़ी बनाई थी मैंने। और आपको पता ही है कि खोबरा बड़ी कब बनाई थी? कब? वो तुलसी की शादी के टाइम पे, तो तुलसी के शादी के टाइम पे बनाई थी। और देखो अभी ये पॉलिथीन में निकाल के रखी है और अभी ये फेंक देनी है। हाँ ये वाला डिब्बा आधे से भी ज्यादा था भरा हुआ, हाँ इतनी ज्यादा वेस्ट हो गई, क्योंकि मीठा कोई खाता ही नहीं घर पे
मैंने सोचा बहुत लोग आएंगे और उनको देना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे और सब लोगों ने ना एक एक बड़ी ही खाई है सिर्फ। और मैंने ज़बरदस्ती मतलब 2-3 बार देने के लिए बोला माई को, बट उन्होंने एक 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 पीस ही दोबारा भी लिए, फिर भी इतनी सारी बच गई थी, तो इतनी सारी अभी फेंक देनी पड़ रही है, अभी वो पूरी ब्लैक हो गई। और आपको तो पता ही है खोबरा वड़ी ज़्यादा दिन रहती नहीं है, तो अभी और इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब उसमें मिल्क पाउडर वगैरह मिक्स किया था ना, तो इसी वजह से ज़्यादा दिन नहीं रहती है वो। तो वैसे भी खोबरे का वो जो मतलब क्रश होता है तो उसकी स्मेल जल्दी आ जाती है, और जल मतलब उसकी स्मेल की वजह से तो 7-8 दिन में ही स्मेल आने लगती है उसकी। बट ये पूरी ब्लैक हो गई है, मतलब ध्यान नहीं रहा उस पर, ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब ध्यान था मेरा कब तक, 2-3 दिन के बाद तक मेरा ध्यान था, जब तक जब शादी हुई थी ना तुलसी की, उसके बाद 2-3 दिन मैंने ध्यान दिया, उसके बाद ध्यान देना छोड़ ही दिया, खाना भी छोड़ दिया हमने, तो उसके बाद अभी ध्यान आया। ये बोल रहे कि ये क्या है करके, इन्होंने वो डिब्बा निकाला तो बोल रहे कि ये क्या है, मैंने बोला अरे यार खोबरा वड़ी और वो भी ब्लैक हो गई है पूरी, तो ऐसा करके हुआ है वो। और वो पीछे डिब्बा रख दिया था तो इसी वजह से ध्यान ही नहीं रहा, आगे रखना चाहिए था, वो भी ग्लास के जार में रखना चाहिए था तो पता चलता। तो चलिए कोई बात नहीं अभी, और हाँ चलिए अभी थोड़ी देर के बाद डिनर करते हैं और इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।